बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है आलसी बेटा। किसी गांव में एक अमीर साहूकार अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसके बेटे का नाम सुमित था। सुमित बहुत ही आलसी था, जबकि साहूकार बहुत मेहनती था। वो रोज सुबह सूर्योदय से पहले शिव मंदिर जाता था और उसके बाद वो अपने खेतों, तबेलों और जहाँ जहाँ तक उसका काम फैला हुआ था वहाँ का चक्कर लगाता था। साहूकार अपने बेटे के आलसीपन से बहुत परेशान था। बेटे उठ जाओ, मेरे साथ खेतों में चलकर कुछ काम कर लो। अभी नहीं पिताजी, अभी मुझे सोने दीजिए। साहूकार परेशान होकर अकेला ही खेतों में चला गया। कुछ समय बाद साहूकार की तबीयत बहुत खराब रहने लगी और कुछ ही दिनों में वो मर गया। साहूकार के मरने के बाद भी उसके आलसी बेटे ने कारोबार पर ध्यान नहीं दिया, जिससे उन्हें कारोबार में बहुत नुकसान होने लगा। ये देखकर सुमित की माँ ने बहुत दुखी होकर उससे कहा, बेटा हमें कारोबार में बहुत नुकसान हो रहा है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मुझे कहाँ कारोबार की समझ है। मैं तो आज तक पिताजी के साथ खेत तक भी नहीं गया। एक काम करो, दूसरे गांव में तुम्हारे नाना रहते हैं ना, उन्हें इस कारोबार की बहुत समझ है। तुम उनसे जाकर मिलो, उनके पास जरूर इसका कुछ समाधान होगा। ठीक है माँ, मैं कल ही चला जाऊंगा। अगली सुबह सुमित नाना के पास गया। प्रणाम नाना जी। खुश रहो बेटा, बताओ कैसे आना हुआ। पिताजी के गुजर जाने के बाद हमें कारोबार में बहुत नुकसान हो रहा है। माँ ने बताया कि आपको कारोबार की बहुत समझ है, इसलिए अब आप ही मेरी परेशानी का कोई हल निकालिए। तुम्हारी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा है बेटे, मेरे पास तुम्हारी परेशानी का हल है। बताइए नाना जी, जल्दी बताइए। तुम्हें बस इतना करना होगा कि अपने पिता की तरह रोज सुबह सूरज के उगने से पहले शिव मंदिर जाना होगा और उसके बाद जहाँ जहाँ तक तुम्हारा काम फैला हुआ है वहाँ जाना होगा और तुम्हें ऐसा हर रोज करना होगा। ठीक है, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। अगले दिन से ही सुमित सूरज उगने से पहले उठने लगा और सबसे पहले शिव मंदिर जाता और उसके बाद जहाँ जहाँ तक उनका काम फैला हुआ था वहाँ वहाँ जाने लगा। वो रोज सुबह सबसे पहले खेत जाता, फिर राशन की दुकान और फिर भैंसों के तबेले। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। उसे रोज रोज काम पर आता देख मजदूर आपस में बात करने लगे। तुमने देखा, मालिक अब रोज रोज काम देखने आने लगे हैं। हाँ, लगता है अब हमें ये घोटालेबाजी बंद करनी पड़ेगी। तुम सही कह रहे हो, वरना हम फंस जाएंगे। धीरे धीरे सभी मजदूरों ने देखा कि सुमित रोजाना अपनी दुकान और खेत के चक्कर लगाने लगा और पकड़े जाने के डर से मजदूरों ने घोटाले करना बंद कर दिया। घोटाले बंद होने के कारण कारोबार में नुकसान होना भी बंद हो गया और धीरे धीरे सुमित और उसकी माँ पहले की तरह ही अमीर हो गए। अरे वाह, देखो माँ, नाना जी की सलाह से हम फिर से अमीर हो गए। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, तुम्हें नाना जी के पास जाकर उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। सुमित को माँ की बात ठीक लगी, वो नाना जी से मिलने गया। नाना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो चमत्कार कर दिया, आपकी वजह से हमारा कारोबार फिर से चल पड़ा। बेटे इसमें मैंने कुछ नहीं किया, इसमें सब कुछ तुमने ही किया है। क्या मतलब, वो कैसे? ये सब बस तुम्हारे आलस की वजह से हो रहा था। तुम्हारे आलस की वजह से तुम अपने कारोबार पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसका फायदा उठाकर तुम्हारे मजदूर कारोबार में घोटाला कर रहे थे। अब क्योंकि तुम रोज काम पर जाने लगे हो तो पकड़े जाने के डर से तुम्हारे मजदूरों ने घोटाला करना बंद कर दिया और तुम्हारा काम चल पड़ा। ये सुनकर सुमित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने आलस करना छोड़ दिया और वो अपना कारोबार बहुत मेहनत से संभालने लगा। तो बच्चों,
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आलस एक बुरी बला है, इसलिए हमें आलस त्याग कर अपना काम समय पर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।